एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय छठी मैया। तो हमारे यहाँ छठ पर्व है, ये महापर्व होता है हम लोगों के लिए। तो बिहार में इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और आज है हमारे घर में खरना पूजा और उसके लिए यहाँ पे गेहूं को धोकर सुखाया जा रहा है और ये रहा पूजा का सारा सामान। तो हमारे यहाँ पे खरना का पूजा कैसे किया जाता है वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अब पूजा की तैयारी के लिए जो भी प्रसाद चढ़ाना रहता है उसकी सामग्री यहाँ पे आ चुकी है और अब उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली खरना क्या होता है? खरना ये होता है कि आज के दिन हम लोग माता रानी को, जो छठी मैया है हमारी, उनको हम लोग भोग लगा के आज न्योता देते हैं ताकि वो हमारे घर पे आए और कल उनका छठ का पूजा जो होता है अर्घ दिया जाता है, वो चीज़ होता है। तो इसीलिए आज जो है वो हम लोग उनको प्रसाद चढ़ा के प्रणाम करके उनको न्योता देते हैं कि हमारे घर पे आए। तो अभी मेरी मम्मी आज बना रही हैं यहाँ पे खीर और ये रोटी। यहाँ पे खरना की पूजा में खीर, रोटी और मतलब घी और केला, बहुत सारी सामान लगती है खरना की पूजा में। तो ये सारी चीज़ की तैयारी हो रही है और ये सिर्फ मिट्टी के चूल्हा पे ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने पीतल के बर्तन में, ये साठी का चावल है, सिर्फ इसी चावल का खीर बनता है खरना पूजा के दिन और गुड़ वाली खीर बनती है, चीनी वाली खीर नहीं बनती है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और अभी देखो मेरी मम्मी प्रसाद बना रही है और आज के दिन जो ये प्रसाद का टेस्ट होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी मतलब टेस्टी होती है ये चीज़। क्योंकि वो जो भगवान के नाम पे आप कुछ भी बनाओगे ना, तो उसकी जो बात होती है ना, वो एकदम ही अलग होती है। तो अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ, मम्मी का हेल्प करती हूँ थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद क्या हो, तो अब सारा काम हो चुका है, सारा प्रसाद बन चुका है। तो अब यहाँ पे मम्मी पूजा करने जा रही है और ये देखो कितना खूबसूरत होता है, केले के पत्ते पे ऐसे उनको भोग लगाया जाता है और उसके बाद होम धूप किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप प्रणाम करके और फिर इनका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा खरना पूजा कंप्लीट हो चुका है और आप देखो ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। आई मीन छठ हमारे लिए एक इमोशन है हम बिहारियों के लिए। तो अब हमारा पूजा हो चुका है और अब हम लोग प्रसाद यहाँ का ग्रहण कर सकते हैं और ये वाकई काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो ये तो था खरना पूजा और छठ पूजा कैसे होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।